नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आपके लिए लेकर के आए हैं मासिक राशिफल जो कि जून 2022 का है। चाहे आप मासिक राशिफल इसको कहें या मंथली राशिफल, बात एक ही है, जून 2022 का ही है। और ये भी आपको कहना चाहते हैं कि ये जो अब क्योंकि राशिफल की बात चल रही है तो ये पूर्णतया कंप्लीटली लग्न राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। आप में से बहुत से दर्शक ये भी कह सकते हैं कि हमको लग्न राशि कैसे देखना है, ये कैसे मालूम हो, वो हम आपको बता रहे हैं, तो आप ध्यान से सुने। सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका ले लें, खोल लें, और जैसे ही आप जन्म पत्रिका खोलेंगे उसमें पहला ही जो चार्ट होगा लग्न चार्ट लिखा होता है लग्न पत्रिका, उसको आप देखें। उसमें जो सबसे पहला घर है उसी को लग्न भाव कहा जाता है, और वहाँ पर जो भी नंबर लिखा है, मान लीजिए वहाँ 6 लिखा है तो आपका 6 हो गई कन्या राशि, 6 नंबर पे, तो इसका मतलब आपका कन्या लग्न राशि हो गई। बस जब हम कन्या लग्न राशि की बात करें तो आप उसी को ही देखें, उसी को ही माने, उसी को ही समझें, तो वो चीज़ें आपके ऊपर फिट बैठेंगी। तो ये तरीका है जो हमने आपको बताया है देखने का, समझने का। आगे आपको बताना चाहते हैं प्रिय साथियों कि देखिए जीवन में जो भी हमारे घटनाएं घटती हैं, अच्छी बुरी, सुख दुख जो भी होता है, कई बार आप में से बहुतों ने ये अनुभव भी किया होगा कि हम जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक एफर्ट डालते हैं या तो वो हमें मिलती नहीं, और या फिर मिलती भी है तो वो ना मात्र के बराबर, उसका कोई होना ना होने का कोई मीनिंग नहीं रहता। फिर हम कहते हैं हमारी किस्मत ही नहीं थी, किस्मत में ही नहीं था। किस्मत क्या चीज़ है, ये ग्रह ही तो किस्मत है और क्या है। ग्रहों का संयोग होगा तो आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करने पड़ेंगे। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि इतनी बढ़िया बढ़िया जीवन में चीज़ें बिना एफर्ट किए ही मिल जाती हैं और हम हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये हमें मिल कैसे गया भाई, हम तो डिजर्व ही नहीं करते इसके लिए, ये तो भाई कोई प्रभु की कृपा है। तो ये प्रभु की कृपा ही इन ग्रहों के द्वारा ही तो है, यही तो ग्रह करते हैं सब कुछ। जीवन में जो भी कुछ घट रहा है सब इन्हीं के कारण हो रहा है। ये तो ये मान के चलें आप कि ये एक जैसे मिरर होता है, हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं साथियों, और चेहरे के विषय में हमें पता लग जाता है मिरर देख के कहाँ क्या कमी है क्या नहीं है, और हम उसको फिर उसका करते हैं जो भी इलाज करना है। ये एक तरीके से मिरर है। अब जैसे कि मान लीजिए रोड पर हम जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और हमें नहीं पता कि आगे कोई आकर के बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा है रोड पर, और नहीं आइडिया हमें इस बात का, तो आगे जाएंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा है, चांसेस बढ़ जाते हैं। और पहले से ही अगर ये चीज़ मालूम है कि भाई आगे जा करके कुछ भी समस्या है रोड पर, चाहे वो गड्ढा है, होल है, या कुछ और चीज़ें हैं, तो पहले से हम अलर्ट हो जाएंगे ना। बस इसी प्रकार की स्थिति है यहाँ पर कि अब जून की बात हो रही है, मई का महीना चल रहा है, तो जून में हमारी स्थिति कैसी रहेगी, 12 राशियों के जातकों की ग्रहों के आधार पर, गोचर में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी जून में, उसके आधार पर ही अच्छे बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। तो हम उनसे पहले ही तैयार हो जाते हैं ना, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। बस ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। तो आइए सबसे पहले मैं संक्षेप में आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा दूं जो जून 2022 में बनने वाली है। ग्रहों की स्थिति गोचर में, ट्रांजिट में, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे। देखिए मेरे बराबर में चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये कन्या लग्न का ही चार्ट है, वर्गो असेंडेंट बेस जो जातक है उनका। और जहां पर आप देख रहे हैं अभी 2 लिखा हुआ है चार्ट में, और सूर्य बुध एक साथ बैठे हुए हैं। तो देखिए सूर्य जो हैं 15 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये यहां से निकल जाएंगे जहां 2 लिखा हुआ है। अभी बुध के साथ बैठे हैं, यहां से निकलेंगे, ये बुध का साथ छोड़ेंगे 15 जून को, और ये अपनी सम राशि मिथुन में जाएंगे, जेमिनी में, जहां पर 3 लिखा हुआ है वहां चले जाएंगे 15 जून से। बुध की बात कर लें तो बुध जो है जहां पर बैठे हुए हैं पूरे महीने जून के महीने में यहीं पर बैठे रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। हाँ इतना जरूर है कि अभी इनकी स्थिति कमजोर है, टेढ़ी चाल चल रहे हैं ये उल्टी, लेकिन 3 जून से ये डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे, इनकी स्थिति में सुधार होगा, स्थिति अच्छी बेहतर होगी इनकी 3 जून से। अब आते हैं राहु और शुक्र के ऊपर। राहु और शुक्र जहां 1 लिखा हुआ है वहां पर बैठे हैं, और जहां पर ये बैठे हैं 1 का मतलब होता है मेष राशि, और जहां ये बैठे हैं जिस घर में बैठे हैं ये 8th हाउस है, अष्टम भाव है, और राहु और शुक्र आपस में मित्र हैं। लेकिन शुक्र भी यहां से 18 जून को
राहु का साथ छोड़ेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और कहाँ जाएंगे, जहाँ पर बुध बैठे हैं, जहाँ दो लिखा है वहाँ जाएंगे ये। और दो क्योंकि टॉरस यानी कि वृषभ राशि है और वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र देव हैं, तो शुक्र अपने ही घर में अपनी राशि में जाएंगे, वहाँ पर उनके परम मित्र बुध उनके साथ उनका उनको मिलेगा, यानी कि बुध और शुक्र एक साथ 18 जून से रहेंगे वृषभ राशि दो जहाँ लिखा है वहाँ पर, यानी कि नवम भाव में आपके भाग्य भाव में। राहु की बात कर लेते हैं। राहु को जहाँ पर आप देख रहे हैं बैठा हुआ एक जहाँ पर लिखा है एर्थ हाउस में, ये पूरे महीने यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बात करेंगे गुरु और मंगल जहाँ आप देख रहे हैं बैठे हुए, जहाँ 12 लिखा हुआ है, 12 का मतलब होता है मीन राशि और गुरु मीन राशि के स्वामी होते हैं, गुरु बृहस्पति, और गुरु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने घर में अपनी राशि में अपने मित्र मंगल के साथ बैठे हैं। लेकिन मंगल जो हैं गुरु का साथ छोड़ेंगे 27 जून को और राशि का करेंगे परिवर्तन, मीन राशि से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, अपनी स्वयं की राशि मेष में जहाँ एक लिखा है। तो आ तो अपने घर में जाएंगे लेकिन यहाँ पर पहले से ही उनके शत्रु बैठे हैं राहु। अब ये मंगल और राहु का जो योग बनेगा 27 जून से प्रिय साथियों, इसको हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत अशुभ योग माना गया है। इसके बड़े अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं जातकों को जीवन में अगर इस प्रकार का योग बनता है उनके कुंडली में या गोचर में। चलिए उसकी चर्चा बाद में करेंगे जब अगला राशिफल आएगा जून जुलाई का, अभी तो बात क्योंकि जून तक की हो रही है, बिल्कुल माह के अंत में जाकर के जाएंगे मंगल वहाँ। गुरु की बात कर लें, गुरु बृहस्पति पूरे महीने मार्गी और उदय अवस्था में अपनी इसी राशि जहाँ 12 लिखा हुआ है, ये 7th हाउस है, इसी में ही बने रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब आते हैं शनिदेव पर। शनिदेव जहाँ 11 लिखा हुआ है वहाँ बैठे देख रहे हैं, ये 6ठा भाव है, 6th हाउस है, और 11 जो होता है ये कुंभ राशि कहलाती है और कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं, तो शनिदेव भी अपने ही घर अपनी राशि में ही विराजमान है। लेकिन ये क्या होगा कि 4 जून को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, यानी रेट्रोग्रेड पोजिशन में चले जाएंगे, थोड़ी स्थिति इनकी कमजोर होगी। अब अंत में बात करेंगे केतु की। केतु जहाँ 7 लिखा हुआ है 7 वहाँ पर बैठे हैं, 7 का मतलब होता है तुला राशि, तुला राशि के लॉर्ड शुक्रदेव होते हैं और तुला राशि के स्वामी शुक्र केतु के मित्र हैं, तो केतु अपनी मित्र राशि तुला में पूरे महीने जून के महीने में यहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो ये जो स्थिति से हमने अवगत कराया ग्रहों की गोचर की जो जून में बनने वाली है, ये तो करा दिया। लेकिन अब आप कन्या लग्न के जातकों पर इसके किस प्रकार के अच्छे और बुरे परिणाम मिलने वाले हैं जून 2022 में, उसकी चर्चा करेंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। सबसे पहले लेंगे आपका प्रोफेशन, करियर, व्यवसाय कैसा रहेगा, हालात आपके साथ जून 2022 में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय साथियों कन्या लग्न के जातकों के, बहुत अच्छा एक राजयोग बना हुआ है सूर्य और बुध के कारण, जिसको मैंने आपको अभी बताया भी है जब ग्रहों की स्थिति में अभी स्पष्ट कर रहा था आपको, और वो भी भाग्य भाव में। भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा मेरे प्रिय साथियों, भरपूर सहयोग, भाग्य के सहयोग में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और जब भाग्य साथ होता है तो चीज़ें भी ऑटोमेटिकली अपने फेवर में चाहती हैं। जो चीज़ें आपके अगेंस्ट में भी हैं, जो हालात आपके अगेंस्ट भी होते हैं, वो भी आपके फेवर में हो जाते हैं। भाग्य का सबसे बड़ा फायदा ये होता है जातक को जीवन में, तो भाग्य का सपोर्ट है। अब जो चीज़ें, जो समस्याएं जो रही भी होंगी या चल भी रही होंगी या आ भी रही होंगी या आनी होंगी आने वाले दिनों में, समय में, इस महीने, वो सब दूर होंगी। और आपको एक बात और बता दें, हमने आपको बताया था अभी ग्रहों की स्थिति जब क्लियर कर रहे थे, सबसे पहले सूर्यदेव के बारे में बात की थी कि 15 जून को वो मिथुन राशि में जाएंगे, यानी आपके 10th हाउस में जाएंगे। साथियों ये मान के चलिए कि जब ये आ रहे हैं आपके दशम भाव में, तो जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचेंगे 15 जून से लेकर माह के अंत तक, आपको कोई पदोन्नति का शुभ अवसर प्राप्त होगा या फिर आपको कुछ अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप व्यापारी हैं, बिजनेस में हैं, तो कोई अच्छी बड़ी डील आपको, कोई प्रॉफिटेबल डील आपकी जो है फाइनल हो सकती है, जिस पर आप मोहर लगाएंगे, या कोई ऐसी डील जिससे आपको कोई बड़ा फायदा हो। मतलब कहने का यह है कि सूर्य यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से आप रोजगार में हैं तो आपका एलिवेशन होगा, आपको एलिवेट कराएंगे। बिजनेस में हैं तो बिजनेस ग्रो करेगा आपका, और खाली ग्रो नहीं करेगा या एलिवेशन ही नहीं होगा, सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको जितना
जो पोजीशन मिलेगी या जो उन्नति होगी आपकी, उससे कहीं अधिक आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। यह स्थिति आपकी रहने वाली है 15 जून के बाद माह के अंत तक। बहुत अच्छी स्थिति बनने जा रही है आप कन्या लग्न के जातकों के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है बताते हुए आपको। तो यह स्थिति रहेगी प्रिय साथियों, बहुत अच्छा करने वाले हैं आप। सक्सेसफुल पीरियड रहेगा आपका ये 15 जून से और आगे तक, और 15 जून तक भी अच्छा रहेगा, उसमें भी मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं नजर आती। उन्नति वाला समय है ये जून का महीना, इसका लीजिए लाभ जितना ले सकते हैं आप कन्या लग्न के जातक। बहुत कम योग बना करते हैं मेरे प्रिय साथियों ग्रहों के इस प्रकार के, जो जातक को आगे ले जाते हैं, तो इसका लाभ लीजिए। अब बात करेंगे आपकी इनकम के विषय में, सुख सुविधाओं के विषय में कि उसकी स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, जहां तक स्थिति का सवाल है आपकी, सामान्य तौर पे आप लाभ लेते रहेंगे सुख सुविधाओं का, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, मिलता रहेगा लाभ आपको एज यूजुअल, उसमें कोई कमी नहीं है। जो लेते आ रहे हैं लेते रहेंगे और मिलता रहेगा, लाभ पूरा लेंगे जून के महीने में। इनकम की बात अगर करें तो इनकम के रास्ते भी आपके लिए बने रहेंगे, इनकम आपको आती रहेगी, होती रहेगी, और इनकम में वृद्धि के भी संकेत हैं कि इनकम भी आपकी इंक्रीज हो, इस बात की भी बड़ी अच्छी संभावना बन रही है। मित्रों की ओर से भी बड़ा सहयोग प्राप्त करेंगे, भाई बहनों की ओर से जो बड़े भाई बहन हैं उनका भी बड़ा सहयोग मिलेगा आपको। तो प्रिय साथियों, जहां तक कार्य क्षेत्र की बात है, इनकम की बात है, सुख सुविधाओं की, इसमें तो सब चीजों में ग्रहों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है, इसका आप लाभ ले सकते हैं इस महीने। आगे बात करते हैं आपसे आपके प्रेम संबंधों को विषय में, प्रेम संबंधों को लेकर के कैसा रहेगा। मैं आपसे एक बात यह कहना चाहता हूं प्रिय साथियों कि ये जो जून का महीना है, क्योंकि आपके ग्रहों की स्थिति के बारे में भी मैंने स्पष्ट रूप से बताया है, उनके रिजल्ट्स भी आपको कैसे मिलने हैं किस क्षेत्र में, ये भी मैं अभी चर्चा कर चुका हूं आपके साथ। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव आपको यहां पर यह है, ग्रहों की आपकी स्थिति को देखते हुए, बेशक मैं, क्योंकि यहां प्रेम संबंधों को लेकर के बात चल रही है इसलिए मैं ये बात कोट कर रहा हूं बीच में, कि आप पीछे से रिलेशनशिप में हैं, आपकी रिलेशनशिप चलती आ रही है, अफेयर्स हैं, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये आपको सुझाव है कि आप, क्योंकि ग्रहों का इतना ज्यादा सपोर्ट है नहीं आपको जून 2022 में इस मामले में प्रेम संबंधों में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सपोर्ट नहीं है तो आपका मिलना जुलना नहीं होगा या आप एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे या कोई ब्रेकअप हो जाएगा, मैंने ये नहीं कहा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए इस महीने उतनी नहीं होगी, बहुत कम ऐसे मौके आएंगे कि जब आपकी मुलाकात एक दूसरे से हो पाए और आप एक दूसरे से अपनी मन तन की बात कर सकें, ऐसे कम कम मौके आएंगे इस महीने। तो अब क्योंकि कम तो आएंगे, ठीक है मैंने बोल दिया, लेकिन अब क्या है, शादी का भी कोई योग है क्या, विवाह का कोई योग है क्या, उस पर भी अगर भाई के भाई हमारी प्लानिंग है हम उस पर काम करें, तो इस महीने मैं यही कहूँगा कि ऐसा कोई योग नहीं है, अभी आप इस प्रकार की प्लानिंग जो भी है उसको अभी पेंडिंग रखें, जब इस प्रकार का योग बनेगा तब मैं आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन के विषय में आप लोगों के, कन्या लग्न के जो जातक हैं। देखिए, कन्या लग्न के जातकों का वैवाहिक जीवन जो है वो मिला जुला रहेगा, मिला जुला, कभी प्यार कभी तकरार, कभी प्यार कभी तकरार। हां, 27 जून के बाद से बहुत अधिक एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा, लेकिन 27 जून तक तो प्यार तकरार रहेगा, कभी वो रूठ गए, कभी आप रूठ गए, कभी आप ने मुँह इधर को घुमा लिया, कभी उन्होंने इधर को घुमा लिया, ये स्थिति रहेगी। लेकिन एक बात यहाँ मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ साथियों, कि आप अपने जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई ना कोई समस्या पैदा हो सकती है, और ये इसके पीछे कारण एक हो सकता है। इसमें कारण जो मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आपका उग्र स्वभाव, थोड़ा सा क्रोध की भावना अधिक रहेगी, बल्कि मैं तो आपसे यही कहूँगा कि क्रोध को अपने, कोशिश यही रखिए कि एक साइड रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। अगर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा तो
तो बहुत चीज़ें आप अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर पाएंगे इजीली, वरना क्रोध कई जगह आपका काम बिगाड़ सकता है, आपके कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब कर देगा, आपके लिए डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर देगा और फैमिली लाइफ में भी। तो ये क्रोध तो है, इसको जून के महीने में भूल जाएं, क्रोध ना करें किसी के ऊपर, आवेश आता है तो पी जाएं। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी, और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहें। रहा सवाल इस बात का कि जो ये प्रश्न करना चाहते होंगे कि कन्या लग्न के उनके प्रश्न चल रहा हो दिमाग में, उनका भी उत्तर दे देते हैं कि भाई हमने किसी को पसंद किया हुआ है तो क्या इस महीने कुछ ऐसा बनेगा कुछ योग? नहीं, बिल्कुल इस बात के चांसेस नहीं है। जितनी बातें होंगी वो सब एयर होंगी, इन द एयर। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रगति मिल जाए या कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट मिल जाए, इसकी संभावना दूर तक भी नहीं है। आगे बात करते हैं पारिवारिक रिलेशन कैसे रहेंगे। पारिवारिक रिलेशन जो हैं 1 जून से 18 जून तक तो मिले जुले रहेंगे, कभी प्यार, कभी आपस में सहयोग हो गया, कभी एक दूसरे से शिकवे शिकायत भी चलते रहेंगे, प्यार भी होता रहेगा, ये सब चीज़ें चलेंगी। लेकिन 18 जून के बाद आपको बहुत सतर्क रहना है, कोई ऐसी वैसी बात ना बोल दें अपने परिवार के सदस्यों के साथ, क्योंकि आपके मुंह से कोई छोटी से भी छोटी बात निकली हुई वो बड़ा रूप ले सकती है और तनाव का कारण बन सकती है 18 जून के बाद माह के अंत तक। तो इस बात से भी सावधान रहना है आप कन्या लग्न के जातकों को। बात करेंगे छात्रों के विषय में। भाई छात्रों की जो है एजुकेशन प्रभावित होती नज़र आती है इस महीने, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो रिजल्ट्स बिल्कुल एकदम डाउनवर्ड्स जाएंगे आपके। तो आप, मैं माता पिता से भी यही कहना चाहता हूँ कि अपने संतान को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उनकी इस बात का कि क्या प्रॉपरली उनकी एजुकेशन चल पा रही है या नहीं, या उसमें कोई बीच में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या बच्चों का ही तो ऐसा नहीं है कि दिल ना लग रहा हो, पढ़ाई से दिल हट रहा हो और वो पढ़ाई छोड़ करके कुछ और चीज़ और किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में उनका दिल लग रहा हो। तो इस करके मैं आपको ये चीज़ें बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड रिजल्ट्स प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ। बात करते हैं संतान की। देखिए संतान की ओर से भी माता पिता को कोई बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिल जाएं, इस बात की संभावना दूर तक भी मुझे नज़र नहीं आ रही है। हाँ, माता पिता को भी थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है कि भाई संतान है, ठीक है जैसा कर रही है करें, बल्कि मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा कि आप तो धैर्य रखें ही रखें, पेशेंस रखें, संतान का भी मोराल जो है थोड़ा बूस्ट करें कि बेटे कोई बात नहीं है, होता है, ऐसा भी होता है, निकल जाएगा समय। इस तरीके से थोड़ा सा बच्चों को भी प्रोत्साहन दें अच्छी तरीके से, तो चीज़ों जो है वो काफ़ी हद तक आप चीज़ों को संभाल पाएंगे और वो संभल जाएंगी। स्वास्थ्य की बात कर लें। देखिए आपके स्वास्थ्य आपके शत्रु, ये शांत रहेंगे। अगर आपका कोई लीगल मैटर है, कोई चल रहा है कोर्ट कचहरी से संबंधित, थोड़ा डिले तो ज़रूर होगा उसमें, हो सकता है, लेकिन अगर आप लगे रहे तो आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा वर्डिक्ट, तो ये आप कार्य कर सकते हैं। कोई लोन आदि से संबंधित कोई एप्लीकेशन अगर दी है उसमें थोड़ा डिले तो हो सकता है कि भाई 4 दिन में होने वाला काम आपका पता चला 14 दिन में हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। स्वास्थ्य की बात मैंने बता दी आपको, स्वास्थ्य आपका नॉर्मल रहेगा पूरे महीने, थोड़ा बहुत 19-21 चलता रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, छोट मोट समस्याएँ रहेंगी, वो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये था आप कन्या लग्न के जातकों का मासिक राशिफल। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या लग्न के जातकों को वो सरल और आसान उपाय जो आप अगर करेंगे जून के महीने में तो जो छोट मोट समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो भी खत्म हो जाएंगी। तो एक तो क्या करना है प्रिय साथियों, शनिवार के दिन, ये मैं छात्रों के लिए बोल रहा हूं, शनि से संबंधित कोई दान करेंगे तो अच्छा है। शनि मंदिर में जाकर के शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि महाराज के आगे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, और अगर आप शनि देव के पास भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप मंगलवार और शनिवार, अगर आपके आसपास कोई शनि देव का मंदिर नहीं है तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, मंगलवार और शनिवार दोनों दिन, वहाँ जा करके आप बैठ करके पूजा करें हनुमान जी की, जो भी आपको पसंद हो, चाहे हनुमान जी की हनुमान चालीसा करें, हनुमान स्तोत्र कर लें, मंगल स्तोत्र कर लें, मंगल के मंत्रों का जाप कर लें, शनि के मंत्रों का जाप कर लें, जो भी कर लें, हनुमान जी की जितनी अच्छी पूजा कर सकते हैं आप करें,
हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं वहाँ पर बैठ करके, प्रसाद चढ़ाएं बूंदी का, बेसन के लड्डू आदि का, हो सके तो गुलाब के फूल या गुलाब की फूलों की माला बजरंगबली को चढ़ाएं। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ, तो बता रहे हैं हम आपको कि अगर आप इससे भी ज़्यादा करने की इच्छा रखते हैं तो आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ये मैं छात्रों के लिए बोल रहा हूँ, ये अभी तक जितने उपाय मैंने बोले। अब मैं बात करता हूँ बाकी सब जो और जातक हैं, वो भी मंगल के दिन हनुमान जी की सेवा करें, पूजा करें। और इसके अतिरिक्त और क्या करें, देखिए चंडिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, नियमित रूप से करें, ये आपके लिए आवश्यक है। और माँ सरस्वती जी के मंत्र का भी अगर जाप कर सकते हैं तो बहुत ही अति उत्तम, उससे आपके पारिवारिक झगड़े में भी खत्म होंगे, कम होंगे या समाप्त होंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये सरस्वती जी का मंत्र। और भी बहुत मंत्र हैं, मैंने तो आपको एक मंत्र की बात की है यहाँ। तो आप इस तरीके से पूजा करके अपनी जो अशुभ परिणाम है उनको दूर कर सकते हैं, छोटी छोटी पूजाएँ हैं। तो ये था आप कन्या लग्न के जातकों का मासिक राशिफल जून 2022 का। प्रिय जातकों, आपको अगर ये राशिफल पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपको हमारे जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कार्यक्रम बनने हैं वीडियो के रूप में, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस दोनों आप तक पहुँचें सीधे, तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।